अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू वर्ल्ड लर्निंग इंटरनेशनल स्कूल वर्चुअल कैंपस। स्टूडेंट्स, टुडे आवर मैथ्स फर्स्ट क्लास। आज हमारी मैथ्स की पहली क्लास है, तो आज हम मैथ्स की फर्स्ट क्लास में करेंगे टू का टेबल रिवाइज, जो आप लोगों ने पहले भी क्लास केजी टू में पढ़ा होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, मिलके हम जो है वो टू का टेबल पढ़ते हैं। मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे पढ़ते जाएं। लेट्स स्टार्ट टेबल ऑफ टू। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू नाइन ज़ा एटीन, टू टेन ज़ा ट्वेंटी। तो स्टूडेंट्स, आपको मज़ा आया टेबल ऑफ टू पढ़ के? तो स्टूडेंट्स, अब टू के टेबल के बाद जो है वो हम अपनी मैथ्स की बुक उठाएंगे, और मैथ्स की बुक जो है वो हम खोलेंगे। खोलने के बाद सबसे पहला पेज हमें नज़र आएगा कंटेंट्स, ठीक है। कंटेंट्स में जो है वो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन में हमारे पास क्या आ रहा है? प्री नंबर कॉन्सेप्ट। क्या आ रहा है? प्री नंबर कॉन्सेप्ट। इसका हम फर्स्ट लेसन लेते हैं। फर्स्ट लेसन में हमें बताया गया है कंपैरिजन बाय हाइट। क्या बताया गया है? कंपैरिजन बाय हाइट, जो कि हमारा पेज नंबर 5 पे आता है। इसके बिल्कुल सामने जो है वो हमारा पेज नंबर 5 है। अब यहाँ पे आपको जो है बताया जा रहा है कंपैरिजन बाय हाइट, यानी हाइट के बारे में। अब आपके पास यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, एक जिराफ और एक जो है वो छोटी हिरन। अब आपको बताना है कि इसमें जो है वो सबसे बड़ी हाइट जो है वो किसकी है, जिराफ की या हिरन की। तो यहाँ पे सबसे बड़ी हाइट आपके पास है जिराफ की। इसी तरह से आप जो है वो अपने पास एक शॉर्पनर ले लें और एक पेंसिल ले लें। अब आप बताएं कि इसमें से जो है वो सबसे बड़ी हाइट जो है वो पेंसिल की है या शॉर्पनर की। तो सबसे बड़ी हाइट जो है वो किसकी है? पेंसिल की, और शॉर्पनर जो है वो छोटा है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 6 पे, जो कि है टॉलर और शॉर्टर की एक्टिविटी, जिसमें हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि टॉलर कौन सा होता है और शॉर्टर कौन सा होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, मार्क फॉर द टॉलर वन। हमें नीचे जो है वो पिक्चर्स दी गई हैं, वो पिक्चर्स को देख के जो है हमें टिक का मार्क करना है, जो टॉलर पिक्चर्स होंगी उन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्री। क्या आता है? ट्री। ट्री में जो है वो हम सबसे टॉलर पे टिक करेंगे। अब हमारे पास ट्री दो तरह के हैं, एक है बड़ा और दूसरा है छोटा। बड़ा जो है वो है हमारा सबसे पहले नंबर पे। अब हमारे पास दूसरी पिक्चर आ रही है सीढ़ियों की। अब सीढ़ियाँ भी जो है वो हमारे पास दो तस्वीरें हैं, एक है टॉलर, दूसरी है शॉर्टर। तो हम जो है वो टॉलर पे टिक करेंगे, यानी बड़ी सीढ़ी पे टिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं मैन, जिसमें से एक है टॉलर, दूसरा है शॉर्टर। तो हम जो है वो किस पे टिक करेंगे? टॉलर पे। वेरी गुड, बड़े वाले पे जो है वो हम टिक करेंगे। देन इसके बाद जो है इसी पेज पे नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आ रही है, कलर द शॉर्टेस्ट।
यानी सबसे छोटी चीज़ पे हमें जो है वो कलर करना है। तो हमारे पास तीन किस्म की कैंडल्स आ रही हैं, जो कि है एक सबसे बड़ी, दूसरी है इससे छोटी और तीसरी है उससे छोटी। तो हमें जो है वो शॉर्टर पे कलर करना है, मतलब सबसे छोटी वाली कैंडल पे कलर करना है। देन इसके बाद जो है हमारे पास आ रही है थर्ड एक्टिविटी इसी पेज पे, जो सवाल लिखा हुआ है कलर द टॉलेस्ट, यानी सबसे बड़े जो है वो ग्लास पे कलर करना है। तो आपके पास यहाँ पर भी तीन पिक्चर्स दी गई हैं, सबसे बड़ा ग्लास, इससे छोटा, देन इससे छोटा। तो हम टॉलेस्ट पे कलर करेंगे, यानी सबसे बड़े वाले ग्लास पे कलर। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने सेकंड लेसन की तरफ। सेकंड लेसन जो है वो हमारा है पेज नंबर 7 पे। अब इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, बिगर एंड स्मॉलर। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट। तो बिगर जो है हमारे पास, हमारी जो बुक है वो क्या है, बिग यानी के बड़ी, और कॉपी जो है वो हमारी क्या होती है, स्मॉल यानी के छोटी। तो इस चैप्टर में भी हमें एक एग्जांपल दी गई है कि एक बच्चा है, उसके पास जो है एक मुर्गी है और एक चूज़ा है। तो उसमें से मुर्गी जो है वो क्या है, बिग है, और चूज़ा क्या है, स्मॉल। तो हम आते हैं इसकी एक्टिविटी की तरफ। तो आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है पेज नंबर 8। अब पेज नंबर 8 पे आपके पास सबसे पहला सवाल है मार्क फॉर द बिगर वन। अब आपको यहाँ पे जो है वो कुछ तस्वीरें दी गई हैं, उसमें से आपको जो है कॉन्सेप्ट बताना है कि बड़ी कौन सी हैं। तो सबसे पहली पिक्चर हमारे पास आ रही है फ़िश की। इसमें हमारे पास दो तरह की फ़िश है, एक है बड़ी, दूसरी है छोटी। तो हमें इसमें क्या बताना है कि बड़ी फ़िश कौन सी है। तो चलें स्टूडेंट्स, हम टिक लगाते हैं बड़ी फ़िश पे, जो कि है बिग। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है बॉल। तो इसमें हमारे पास एक है बिग बॉल और एक है स्मॉल बॉल। तो इसमें हमें जो है वो बिग बॉल पे टिक लगाना है। इसके बाद हमारे पास आती है डक। एक है बिग डक और दूसरी है स्मॉल डक। तो इसमें से बिग डक पे हम जो है वो टिक लगाएंगे। इसी पेज पे जो है आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है कलर द स्मॉलेस्ट, यानी जो है हमें छोटी पिक्चर पे कलर करना है। तो हमारे पास तीन किस्म के जो है वो बलून दिए गए हैं, सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा और लास्ट उससे भी छोटा। तो हम जो है वो सबसे छोटे बलून पे कलर करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास इस पेज की लास्ट एक्टिविटी है कलर द बिगेस्ट, यानी बड़ी पिक्चर पे जो है वो हमें कलर करना है। अब हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं 3 kettles। क्या दी गई हैं, 3 kettles। सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो हम किस पे कलर करेंगे, सबसे बड़ी केटल पे। यहाँ तक हमारा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वर्क यहीं पर वाइंड अप होता है। आज का आपका होम असाइनमेंट है, जो कि सबसे पहले हमने पढ़ा था टेबल ऑफ 2। आप 2 का टेबल जो है वो अपनी मैथ्स की कॉपी में करेंगे और उसकी पिक्चर जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। और हमने जो है बुक में जो एक्टिविटीज़ के पेजेस किए हैं वो आप कंप्लीट करके और उनकी पिक्चर जो है वो आप मुझे सेंड करेंगे। आज तक के मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।